और मैं हूं आपके साथ अखिल। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और एक नारा भी दे रही है कि सब पढ़े सब बढ़े, पर वहीं शिक्षा के मंदिर में शिक्षक नशे में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां शिक्षक शराब के नशे में पाठशाला जा रहा है। जुनारदेव विधानसभा के विकास खंड जुनारदेव ग्राम तुमड़ा की प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक के पद पर रविशंकर कोलारे छिंदवाड़ा चंदन गांव से प्रतिदिन तुमड़ा ग्राम में अपनी शिक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली वाइन शॉप में शराब पीकर नशे की हालत में सकून पहुंचते हैं। जहां ग्रामीणों द्वारा शिक्षक को बार बार समझाया भी गया पर शिक्षक समझने को तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब होगा, अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अरविंद वर्मा। अरविंद, जिस प्रकार से ये मामला पूरा सामने आया है कि विद्यालय के शिक्षक ही शराब पीकर विद्यालय जाते हैं, तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जी जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है कुछ दिन पहले स्कूल का वायरल हुआ था, पूरे सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा था कि एक शिक्षक जो है जो छिंदवाड़ा से डेली जुन्दारदो ब्लॉक में ग्राम तुमड़ा में अपनी पढ़ाने जाते हैं, तो ये शिक्षक हमेशा नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं, तो इसका वीडियो वायरल हो रहा था। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक जो शिक्षा देने वाला ही गुरु अगर नशे की धुत में होगा तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा, वहाँ क्या पढ़ाता होगा, क्या शिक्षा देता होगा, ये तो परे अलग ही बात है। जी, और अरविंद, जिस प्रकार से जो शिक्षक है वो ये तक कह रहा है कि मैं तो टल्ली हो गया, जो बनता है उखाड़ लो, आखिरकार इस प्रकार के जो शिक्षक है वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, जबकि बच्चों का इस प्रकार के शिक्षक है वो बेड़ा गर्क कर देंगे? जी जी, वहाँ के बच्चों का अगर जिस तरीके से जो शिक्षक है नशे में टल्ली होकर जो बनता है कर लो, ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा और वो कह रहा है कि जो बनता है कर लो, तो फिर ये तो एक सोचने वाली बात है कि शिक्षक किस तरीके से नशे में है और वो बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा कि जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। जैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रही है, अगर देखा जाए तो तरीके की अन्य योजनाएं चला रही है कि सब पढ़े और सब बढ़े, लेकिन यहाँ जो शिक्षक को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उस ग्राम के जो बच्चे हैं कि वो शिक्षित हो पाए। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। जी, और जिस प्रकार से अरविंद वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जो शिक्षा विभाग है उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? नहीं नहीं, उस पर शिक्षा विभाग के द्वारा आज कार्रवाई की जाएगी। वैसे वैसे देखा जाए तो आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, अब इसकी क्या कार्रवाई हो रही है तो मंडे के दिन ही पता चलेगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा और शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। के जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, जो जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको शिक्षा के लिए पूरा जोर लगा रही है और मध्य प्रदेश की क्या केंद्र की सरकार है वो भी पूरा जोर लगा रही है। पहले आप ये वीडियो सुनिए, जिस प्रकार से जो शिक्षक है वो अगर इस प्रकार की हिमाकत करेंगे। तो जैसे आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से शिक्षक है वो कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही शराब पीऊंगा, जो करना है कर लो, मैं तो टल्ली हो गया, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है वो ऐसे शिक्षकों की वजह से गर्त में जा रहा है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21। दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर।